हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने शुरू करा था ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री में थ्योरी कर लेने के बाद हमने एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 और एक्सरसाइज 8.3 हमने कंप्लीट करा है। अगर आपने अभी तक नहीं कराया तो पहले उसको कंप्लीट करें और थ्योरी को अच्छे तरीके से देख लें। आज हम लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.4, जिसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं, बेसिकली परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको ट्रिगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं तीन, उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 8.4 में अगर हम डिस्कशन करें, सबसे पहला क्वेश्चन, आप चिंता ना करें, बहुत ईजी है, मैंने इसको अलग से करा भी दिया है। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है, थोड़ा सा रुक जाइए, चलिए क्वेश्चन में क्या कहा है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, मतलब एक्सप्रेस जो मैंने करा दिया है थ्योरी में, ठीक है, सेकंड वाले थ्योरी में एक्सप्रेस या फर्स्ट में किया है शायद, एक्सप्रेस साइन ए सेक ए एंड टेन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है। साइन ए सेक ए और टेन ए को आपको किसके टर्म्स में लिखना है, कॉट ए के टर्म्स में। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। देखिए, इसके लिए हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या इस्तेमाल करेंगे आपको याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। ये क्या होता है, पी बटे एच होल स्क्वायर, बी बटे एच होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये होता है एच बटे बी, ये होता है पी बटे बी, इसको सॉल्व कीजिएगा तो वन आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, और क्या होता है बताइए, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से वन आएगा। कॉस थीटा और सेक थीटा का जो प्रोडक्ट है वो वन आता है, टेन थीटा और कॉट थीटा का जो प्रोडक्ट है वो वन होता है, और क्या होता है बताइए, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बहुत सिंपल प्रूफ है, आप देख ले सकते हैं, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इन्हीं का इस्तेमाल होगा और कुछ भी इसमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, ठीक है, किसके टर्म्स में, कॉट ए के टर्म्स में। तो आपको क्या देखना है कि कोसेक का कॉट के साथ संबंध है, ठीक है, तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, वन बटे कोसेक, तो ये हो जाएगा वन बटे कोसेक ए, और कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, ये अगर इस पार रखें तो माइनस उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज वन बटे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो साइन को हमने किसके टर्म्स में लिख दिया, कॉट ए के टर्म्स में, कोई शक नहीं। उसके बाद हमको सेक ए को लिखना है, अब सेक ए को लिखेंगे तो सेक का टेन के साथ संबंध है, फिर टेन का कॉट के साथ है, तो सेक को क्या लिखे, वन प्लस टेन, क्या हो जाएगा बताइए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, और टेन को लिख सकते हैं वन बटे कॉट, वन बटे कॉट, टेन को वन बटे कॉट, ठीक है, जैसे कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन बटे कॉट स्क्वायर ए उसका स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कॉट ए। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। तो हमने साइन ए को और सेक ए को कॉट ए के रिस्पेक्ट में लिख दिया। आप अगर ठीक ठाक चलिएगा तो कोई इशू नहीं होगा, डायरेक्ट ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको दिक्कत होगी। अब कॉट को डायरेक्ट लिखना है, कॉट ए को किसके रिस्पेक्ट में, किसके टर्म्स में, टेन के रिस्पेक्ट में, सॉरी टेन को कॉट के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर वन बटे कॉट, तो वन बटे कॉट ए। तो आपने क्या किया, साइन ए को सिर्फ कॉट के रिस्पेक्ट में लिखा, आपने क्या किया, सेक ए को सिर्फ कॉट ए के रिस्पेक्ट में लिखा, टेन ए को सिर्फ कॉट ए के रिस्पेक्ट में लिखा, यही क्वेश्चन था। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, उतार लें। चलिए डन, क्वेश्चन नंबर वन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, जो मैंने पूरा का पूरा कर दिया है, लेकिन तब भी यहाँ पर मैं करके दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है बताइए, राइट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, क्या बोला है बताइए, राइट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ
एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, सेक ए के रिस्पेक्ट में के टर्म्स में इन टर्म्स ऑफ सेक ए है ना, इसके टर्म्स में सारे के सारे राइट ऑल टी रेशियोज इन सेक ए, सारे के सारे टी रेशियोज को सेक ए के टर्म्स में लिखना है अभी जो हमने किया। तो सबसे पहले हम सेक के बारे में अगर जानें, ठीक है, तो सेक के बारे में अगर जानेंगे तो सेक को सबसे पहले अगर साइन के रिस्पेक्ट में लिखना है तो आपको देखिए साइन और कॉस का रिलेशन है और कॉस का सेक का रिलेशन है, तो सेक को पहले क्या लिखेंगे, एक बटे कॉस, सेक को क्या लिखेंगे बताइए, एक बटे कॉस। एक तो हमारा हो गया कॉस का काम ख़त्म हो गया, कॉस का हो गया, कॉस के रिस्पेक्ट में हो गया। उसके बाद लिख सकते हैं इसको एक बटे कॉस को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। तो कॉस का भी हो गया साइन का भी, सेक को हमने कॉस के रिस्पेक्ट में लिख दिया और सेक को राइट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मैं गलत कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि सेक ए को लिख रहा हूँ और के टर्म्स में, ठीक है। तो आप क्वेश्चन समझें, क्वेश्चन में बोला राइट ऑल टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मतलब साइन को लिखना है सबसे पहले, मैं कुछ गलत कर रहा था। देखिए साइन को लिखना है सेक ए के टर्म्स में, मैं सेक ए को और टी रेशियोज के टर्म्स में लिख रहा था, आई वॉज डूइंग रॉन्ग। ओके, तो साइन ए, साइन क्या होगा बताइए, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन क्या होगा बताइए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, और कॉस क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल, एक बटे सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हमने कर दिया, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटे सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटे सेक, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये सेक स्क्वायर ए स्क्वायर रूट, तो सेक ही हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस वन का स्क्वायर रूट हो गया, ठीक। अब साइन को हमने सेक ए के टर्म्स में लिख दिया, अब कॉस को लिखना है, तो कॉस को लिखना है तो कॉस और सेक में रिलेशन देखिए, तो कॉस क्या हो, एक बटे सेक, ये हो जाएगा एक बटे सेक, साइन का हो गया कॉस का हो गया। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बताइए, इसको भी कर लेते हैं, साइन का पहले हम टेन का कर लेते हैं, अब टेन में आ जाइए, बताइए टेन कहाँ गया, टेन, टेन को उस पार कर देते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन इस पार आएगा तो माइनस वन, दैट इज अगर हम यहीं से कर लें दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर वन, इसको अगर सॉल्व करें तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर ए, दैट इज टेन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस वन का स्क्वायर रूट। तो हमने क्या किया, साइन को सेक के रिस्पेक्ट में टर्म्स में, कॉस को सेक के टर्म्स में, टेन को भी सेक के टर्म्स में लिख दिया। अब इनके रेसिप्रोकल्स हैं, बहुत ईजी है, हमको क्या चाहिए, कोसेक, कोसेक ए साइन का रेसिप्रोकल, दैट इज ये ऊपर चला जाएगा सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सोचना ही नहीं ज़्यादा। उसके बाद सेक को तो लिखना ही नहीं है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट ए क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल एक बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो आपको उम्मीद है, मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे, पहले साइन को हमने लिख दिया, इसके टर्म्स में साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, जस्ट हमने प्लाट दिया, टेन का लिख दिया, इसको जस्ट प्लाट दिया, ठीक है, और कॉस का हमने क्या किया बताइए, कॉस को सेक के टर्म्स में तो लिख दिया, लेकिन और सेक को सेक के टर्म्स में लिखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, पांच ही ना रेशियोज बचे, चलिए उतार लीजिए, टेन, क्वेश्चन नंबर टू हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, इवेल्युएट फर्स्ट नंबर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये क्या हो जाएगा बताइए। अब इस पर अगर हम डिस्कस करें, साइन 63 और यहाँ साइन 27 है, स्क्वायर है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बताइए साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 कितना होता, वन, तो दूसरा वाला को हम, दूसरा वाला जो यहाँ पे है टर्म साइन स्क्वायर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देखिए, प्लस अगर इसको मैं लिखूँ कॉस स्क्वायर या मैं लिखूँ साइन स्क्वायर 60 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री,
अब बताइए इससे क्या फर्क पड़ेगा, साइन स्क्वायर सेम रहा 63 से, ये तो कोई प्लस प्लस रहा, साइन स्क्वायर रहा 27 डिग्री के प्लेस में 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री ला, 10 में 3 गया 7 और 8 में 6 गया 2, बिल्कुल सही है। ठीक है, इससे क्या पता चला कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बताइए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पीछे जाके देखिए वो कॉस थीटा होता है, यहाँ पे ये मैं बता नहीं रहा हूँ, आप जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे कॉस स्क्वायर, इसको हम साइन स्क्वायर में अगर चेंज करें लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बताइए, कॉस 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री 17 डिग्री आएगा, 10 में 3 गया 7, 8 में 7 गया 1 और कॉस स्क्वायर रहा। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये कॉस साइन में बदल जाएगा, ये साइन कॉस में बदल जाएगा, देखते हैं आगे। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बटे ये किस में बदल जाएगा, साइन स्क्वायर में, साइन स्क्वायर 73 डिग्री, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यहाँ स्क्वायर लग गया तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग गया, बस यही यहाँ पे एक्स्ट्रा बात हुई। ठीक है, अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1/1 क्या होगा 1, तो ये आंसर थर्ड का जो फर्स्ट का आंसर है वो 1 होगा। उतार लीजिए, चलिए थर्ड का फर्स्ट हो गया, अब थर्ड का सेकंड पे बात करते हैं। थर्ड का सेकंड क्या कह रहा है, थर्ड का सेकंड कह रहा है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब बताइए साइन 25 इंटू कॉस 65 डिग्री, अगर मैं साइन को कॉस में बदलूं या इस कॉस को साइन में बदलूं तो क्या होगा, देखते हैं। देखिए अगर मैं लिखूं साइन 25 डिग्री इंटू, यहाँ लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, 90 माइनस 25 65 भी आया, कॉस कॉस ही रहा, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना क्या बात हो रही है। अब बताइए इसको कॉस में रहने देते हैं, इसको कॉस में बदल देते हैं, नीचे कॉस 25 डिग्री इंटू यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। अब बताइए 90 माइनस 25 65 भी आएगा, साइन साइन ही रहा, लेकिन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा बदल जाएगा, कॉस 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 स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए साइन 25 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 25 डिग्री, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस करने से जो हमारा आता है रिजल्ट, साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। उतार लीजिए, हमारा थर्ड का बन गया। ठीक है, उतार लीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं, बहुत इजी है 4 नंबर, इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 4 का फर्स्ट क्या है, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है, यहाँ पे ऑप्शन डी भी 8 दिया हुआ है। आप अपनी किताब में देख लें, यहाँ पे मेरी किताब में मिसप्रिंट है, ठीक है, तो आप अपनी किताब में देख लें, ये मुझे नहीं लगता है कि ऑप्शन अलग अलग होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 क्या हो जाएगा, कॉमन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो बताइए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना है 1, दैट इज़ 9 इंटू 1, तो आंसर 9 होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट मेरे ऑप्शंस के हिसाब से। ठीक है, उतार लीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, 4 का सेकंड क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये क्या होगा, ऑप्शन से 0 1 2 माइनस 1
बताइए क्या होगा अगर इसको सॉल्व करें तो। अगर टेन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस एक बटे कॉस थीटा। हम बताएं ना, टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा और सेक थीटा एक बटे कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद वन प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस एक बटे साइन थीटा। तो कॉस थीटा हमारा क्या आ जाएगा, नीचे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन, साइन थीटा नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस वन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको लिख समझ सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा बताइए, ए हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है उसका स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होगा, इसको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, जगह की कमी है तो उतार लें आप पहले। डन, चलिए अब इसके बाद अगर हम देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस वन, माइनस वन तो पहले से ही है, बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना आप उतार लिए होंगे, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन, ये पूरा वन हो गया ना, बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वन वन कैंसिल हो गया, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, कितना आंसर रहेगा, टू, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उतार लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए बहुत अच्छे, फोर्थ का सेकंड हो गया, और फोर्थ का थर्ड, फोर्थ का थर्ड क्या कह रहा है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए। इसमें ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सेक ए, ऑप्शन बी साइन ए, ऑप्शन सी कोसेक ए, ऑप्शन डी कॉस ए, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो क्या होगा, सेक ए को लिख सकते हैं एक बटे कॉस ए, टेन ए सेक ए को वन बटे कॉस ए, टेन ए को साइन बटे कॉस, साइन ए बटे कॉस ए वन माइनस साइन ए, ठीक है। अब हम यहाँ पे कॉस ए ले लें तो ये क्या होगा, वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा, वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस, वन स्क्वायर वन, वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, एक कॉस चला जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस ए, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। उतार लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री तक हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या होगा, ठीक है। ऑप्शंस हैं सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी माइनस वन, ऑप्शन सी कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन डी टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये है बात हमारी, तो अगर हम देखें वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये क्या होगा, सेक स्क्वायर ए, ठीक, वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होगा, सेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब हम बात करें अगर सेक क्या हो जाएगा, एक बटे कॉस, एक बटे कॉस, तो एक बटे कॉस स्क्वायर ए बटे एक बटे
साइन स्क्वायर, तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर, साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, दैट इज टेन स्क्वायर ए। ठीक है, उतार लें, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चलिए इतना सारा हो गया, अब हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है, बढ़ते हैं आगे। चलिए डन, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, फटाफट करने की ज़रूरत है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसको प्रूव करना है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो LHS है हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो कोसेक हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल, 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉट, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा उसका स्क्वायर, दैट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने कुछ गलत किया, यहाँ साइन थीटा ही होगा, आई एम रॉन्ग। ठीक है, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर एक बचा, नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो RHS है जो हमारा प्रूव हो गया, LHS RHS के इक्वल प्रूफ करना है आपको। ठीक है, उतार लीजिए इतना। चलिए, 5 का फर्स्ट आपने कॉपी कर लिया होगा, और 5 का सेकंड की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। तो 5 का सेकंड क्या है बताइए, 5 का सेकंड कह रहा है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ठीक है, अब बताइए LHS को RHS प्रूफ करना है, सिंपल सी बात है, आप खुद भी कर सकते हैं। यहीं पे LHS लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं शुरू कर देता हूँ। देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू साइन चला जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए जाएगा प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। मैंने इसको दोबारा कॉपी नहीं किया, बस शुरू कर दिया। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 1 2 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 2 यहाँ कॉमन हो सकता है, 2 इंटू 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए चला जाएगा, 2 इंटू 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस क्या होता है सेक, ये हमारा क्या RHS। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, LHS किसके इक्वल मैंने प्रूफ कर दिया, RHS के। अच्छे से नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस
कॉट थीटा बटे वन माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो वो आर एच एस है, हिंट में गिवेन है इसमें कि सबको आप साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में लिख दें तो कोई बात नहीं। एल एच एस को ही हम लोग शुरू करते हैं। टेन क्या होगा, साइन बटे कॉस, अब याद हो गया होगा आपको, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे वन माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, नीचे क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर जाके कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे साइन थीटा। अब यहाँ पे एक कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले ले रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ प्लस साइन थीटा। इसको आप यूँ समझ सकते हैं, हमने ये माइनस को बाहर ले लिया, अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ माइनस लिखने से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसीलिए मैं ऐसा नहीं किया, ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने साइन थीटा लिख दिया और एक ब्रैकेट और दे दिया, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस साइन थीटा वही रह जाएगा, लेकिन फ़ायदा क्या होगा, ये दोनों सेम हो जाएगा। ये माइनस को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा पहले लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम हो गया, तो इसको तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं, और कॉस थीटा साइन थीटा अलग अलग है, दैट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, ये साइन बच गया, साइन स्क्वायर साइन क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन, साइन गया, साइन थीटा माइनस कॉस रहेगा, साइन गया, कॉस बचेगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस क्यूब हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अगर आपको नहीं पता है, वो आप नोट डाउन कर लें, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ये आप उतार सकते हैं, फिर हम आगे करने के लिए मुझे जगह चाहिए तो मैं मिटाऊंगा, उतार लें इसको, चलिए उतार लिए होंगे, नहीं उतारे तो पॉज करके उतार लें। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो इस फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आएँ, ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये है आपकी कहानी, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा एक बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा एक बटे कॉस सेक थीटा, एक बटे साइन कोसेक थीटा प्लस, ये कैंसिल हो गया, वन हो गया, यही तो वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, वही ही बात है, यही हमारा क्या है, आरएचएस। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ रवाना होते हैं, इसको उतार लें। चलिए, बहुत अच्छे, जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, नहीं फोर्थ में नहीं, फिफ्थ में, ठीक है, पहले फोर्थ कर लेते हैं, फोर्थ इजी है, फिफ्थ भी इजी है, बट फिफ्थ में थोड़ा बच्चे फंस जाते हैं। यहाँ पे वन प्लस कॉट ए बटे सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटे वन माइनस कॉस ए, देख लेते हैं एल एच एस कितना है बताइए, वन प्लस कॉट ए, कॉट क्या होगा, अब याद हो जाना चाहिए, कॉस ए बटे साइन ए,
से के क्या होगा, एक बटे कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए, ऊपर कॉस ए चला जाएगा, वन नीचे आ जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन में मेरा मिसप्रिंट है, मैं अभी इसको ठीक कराया, ठीक है, आपकी किताब में शायद सही होना चाहिए, कॉट नहीं है, सेक है, इसी गलती की वजह से मैं फंस गया था, ठीक है, ये कॉट नहीं होगा, क्या होगा, ये सेक है। अगर आपकी किताब में भी मिसप्रिंट है तो इसको सेक कर लीजिए, मैंने इसको देखा, वेरीफाई किया इंटरनेट से, और ये क्या है बताइए, सेक है। अगर आपकी किताब में गलत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सेक क्या होगा, एक बटे कॉस ए, यहाँ क्या होगा, एक बटे कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वन बटे कॉस ए, और एक कॉस ए ऊपर चला जाएगा नीचे वन, ठीक है, कॉस कॉस कैंसिल, दैट इज़ वन प्लस कॉस ए। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो आरएचएस को अलग से कर लें या यहीं पे कर सकते हैं, एक माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, वन माइनस कॉस ए से डिवाइड भी कर रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन माइनस कॉस, वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है बताइए, साइन स्क्वायर ए, दैट इज साइन स्क्वायर ए बटे वन माइनस कॉस ए इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, उतार सकते हैं आप। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ रवाना होंगे फिर। चलिए उतार लिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है के कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है, एलएचएस हमारा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे फंस जाते हैं। यहाँ पे कॉट और कोसेक में अगर बात करनी है तो अगर हम ऊपर और नीचे दोनों को साइन से डिवाइड कर दें, ऊपर भी हमने किससे डिवाइड किया, साइन ए से, नीचे भी किससे डिवाइड किया, साइन ए से, साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कॉस बटे साइन कॉट आ जाएगा और साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, वन बटे साइन कोसेक हो जाएगा, तो इसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, कॉस बटे साइन क्या होगा कॉट ए, साइन बटे साइन वन हो जाएगा, प्लस एक बटे साइन कोसेक ए हो जाएगा, बटे कोस बटे साइन क्या होगा कॉट ए, साइन बटे साइन वन हो जाएगा, माइनस एक बटे साइन कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए अगर मैं इसकी बात करूँ, कोट ए कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस वन बटे कॉट ए माइनस, या जो भी है, कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। अब यहाँ पे जो स्पेशल बात करनी है वो ये, हमें चूँकि कोसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए तो इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये वाला कैंसिल हो जाए और ये बच जाए। इसके लिए हमको एक स्पेशल बात पे ध्यान देनी पड़ेगी कि वन को हम कैसे लिख सकते हैं, वन को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, मतलब ये यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस वन को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इससे फ़ायदा क्या होगा हम बता रहे हैं, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए के नीचे को ऐसे ही रख दिया, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, कॉस ए के प्लस कॉट ए यहाँ से कॉमन आ जाएगा, देखते हैं कैसे क्या होगा, कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस, यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉस ए के प्लस कॉट ए इंटू कॉस ए के माइनस कॉट ए बटे कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए के, इतना उतार लें, फिर जगह नहीं हमारे पास, मिटाना पड़ेगा, उतार लिए, चलिए अब क्या होगा, इसको भी मिटा ही देता हूँ, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉमन, कोसेक ए प्लस कॉट ए हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, वन माइनस ये बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, बटे कॉट ए, इसको लिख सकते हैं, वन को पहले लिख देते हैं, माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए,
तो यहाँ देखिएगा वन माइनस कोसेक एफ माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ये पूरा तो एक ही टर्म है ना, सेम है, तो क्या बचा कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमारा क्या है RHS जो हमको प्रूफ करना था। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका सोल्यूशन समझ आया होगा। ठीक है बाबू सब, चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ की तरफ चलते हैं। ये रिलेटिवली इजी है, वन प्लस साइन ए बटे वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। LHS क्या होगा बताइए, वन प्लस साइन ए बटे वन माइनस साइन ए, तो क्या होगा बताइए, इसको अगर हम क्या करें वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई भी करते हैं, वन प्लस साइन ए से डिवाइड भी करते हैं, इसका स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, सिंपल सी बात है। अब क्या हो जाएगा बताइए, वन प्लस साइन ए का स्क्वायर बटे वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट, इस पर भी स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर है, तो एक साथ स्क्वायर कर सकते हैं, वन प्लस साइन ए बटे कॉस ए उसका स्क्वायर, उस पर पावर स्क्वायर रूट मतलब हाफ, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वन प्लस साइन ए बटे कॉस ए, तो हम लिख सकते हैं एक बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, एक बटे कॉस ए क्या होगा सेक ए, साइन ए बटे कॉस ए क्या होगा टेन ए, जो हमारा RHS के बराबर है। ये आसान क्वेश्चन था, आराम से नोट डाउन कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया, अब क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा बटे टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, LHS हमारा क्या है, LHS है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, तो हम साइन थीटा यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा यहाँ कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये दोनों वैसे बराबर होता है, बाद में समझेंगे कॉस टू थीटा के बराबर होता है, मैंने थ्योरी टू पे बता दिया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, इसी को चेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा वन माइनस टू प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा बटे टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये टेन थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस टू माइनस वन बटे टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा टेन थीटा जो कि RHS के बराबर है। तो बहुत ही आसान, उतार लीजिए अच्छे तरीके से, क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा हो गया डन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर एट की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो LHS क्या है हमारा, LHS है ये वाला देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक साथ लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया प्लस सेक स्क्वायर ए लिख दिया साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कोसेक ए वन हो जाएगा, तो टू इंटू वन प्लस टू इंटू वन टू कॉस ए इंटू सेक ए,
कॉस ए इंटू से के वन हो जाएगा, प्लस टू इंटू वन, टू इंटू वन टू ही होगा, टू टू फोर, ये तो वन हो गया। वन प्लस कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको लिखेंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस टू इंटू वन टू, टू इंटू टू, टू टू क्या हो जाएगा फोर, चार एक पाँच, एक छः एक सात, सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमारा क्या आर एच एस है, जो कि आपको समझ आया होगा। मैं फिर बता दूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लगाया, दूसरे में भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए वन हो गया, कोसेक स्क्वायर ए को हमने क्या लिखा, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर क्या लिखा, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये टू इंटू वन हो गया, टू इंटू वन, टू टू फोर हो गया, फोर प्लस वन प्लस फाइव प्लस वन सिक्स प्लस वन सेवन प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर लिखा और आर एच एस हमारा आ गया। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, ये क्वेश्चन नंबर एट, ठीक है उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है, कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू वन बाई टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है तो क्या होगा बताइए, एल एच एस है हमारा कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, तो इसको अगर हम प्रोसीड करें वहाँ लेके आना है, तो थोड़ा मैं देख भी लूँ मैं भी ख़ुद कि इसमें कौन सा प्रोसेस अपनाना ज़्यादा सही होगा। हाँ बिल्कुल सिंपल है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, एक बटे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन ए, सेक ए वन बटे कॉस ए माइनस कॉस ए, क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, कॉस ए कॉस ए गया, साइन ए गया, तो ये होगा साइन ए इंटू कॉस ए, इसको भी हम लोग प्रोसीड करके ये लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ बेटर है आर एच एस को कर लेना, चिंता मत कीजिए। टेन ए, टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए, प्लस कॉट ए को कॉस ए बटे साइन ए, तो इसको सॉल्व करेंगे, साइन ए कॉस ए नीचे रहेगा, साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए कॉस ए कैंसिल, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन ए कैंसिल, प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा वन, ऊपर चला जाएगा ये वन, ये ऊपर चला जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए बटे वन, तो हुआ साइन ए इंटू कॉस ए, दियर फोर एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर नाइन हमने कर दिया, उतार लीजिए। अब टेंथ में क्या करना है, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर टेन, टेन में तीन तीन हमारे पास है, एक बीच में भी गिवन है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर वन माइनस टेन ए बटे वन प्लस वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, तो देखते हैं इसको पहले करके, यह है वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए को देखिए ये सेक स्क्वायर ए होगा, सेक स्क्वायर ए बटे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, एक बटे सेक क्या होगा, एक बटे कॉस स्क्वायर ए, एक बटे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, एक तो हमने प्रूफ कर दिया, अब बीच वाला देखते हैं, वन माइनस टेन ए बटे वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, तो टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए वन माइनस कॉस ए बटे साइन ए इसका स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए इस पूरे का स्क्वायर, देखिए साइन ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल इसलिए हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो पॉजिटिव ही होगा, कोई इशू नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अरे ये अगर माइनस कॉमन भी ले लें माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इस दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, पावर टू है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा साइन ए बटे कॉस ए उसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा
टेन स्क्वायर है, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। ठीक है, जो प्रूफ करना था कि इसका बर इसको भी टेन स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना था, इसको भी टेन स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना था। आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मैंने एक्सरसाइज 8.4 जो है वो उसको अच्छे से कंप्लीट कर दिया। और आपने अगर नहीं देखा है थ्योरी तो पहले थ्योरी देखें तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। और जो लोग ग्रुप में है उसमें जल्दी से जल्दी उसको सबमिट करें एक्सरसाइज 8.4 को बना के। और जिसको समझ नहीं आया, अगर बाहर के बच्चे हैं तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।